कुछ भी करना, बस ये गलती मत करना। केदारनाथ गए हो तो बाबा भैरवनाथ के दर्शन जरूर करना, वरना दर्शन पूरे नहीं माने जाते। आइए वीडियो में देखते हैं। ये है केदारनाथ का मंदिर, जिससे ठीक 1 किलोमीटर ऊपर जाकर आपको भैरव बाबा का मंदिर मिलता है। यहाँ अष्ट भैरव स्थापित है और इन्हें भूकुंट भैरव के नाम से भी जाना जाता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाकर आपको पूरी पहाड़ी का नज़ारा नज़र आता है। खूबसूरत भव्य नज़ारों के साथ साथ आपको यहाँ पर अष्ट भैरव के दर्शन होते हैं। हैरानी की बात यह है कि भैरव मंदिर बिना छत के स्थापित है। बर्फ आए, बारिश आए, सब कुछ भैरव बाबा पर पहले पड़ती है, उसके बाद केदारनाथ मंदिर तक पहुँचती है। और माना यह भी जाता है कि भैरवनाथ यहाँ विराजमान होकर पूरी पहाड़ी की और केदारनाथ की रक्षा करते हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर 6 महीनों के लिए बंद रहता है। इस दौरान मंदिर की रक्षा की जिम्मेदारी भैरव बाबा के हाथ में है। आइए शुरू से जानते हैं पूरी कहानी। काशी हो, उज्जैन हो या फिर केदारनाथ हो, हर जगह शिव के साथ भैरव बाबा स्थापित है और भैरव बाबा शिव का ही रूप माने जाते हैं। दरअसल बिना छत के इस मंदिर के कुछ खास रहस्य हैं। भूकुंठ बाबा को केदारनाथ का पहला रावल माना जाता है। उन्हें यहाँ का क्षेत्रपाल भी कहते हैं और बाबा केदार की पूजा से पहले केदारनाथ में भूकुंठ बाबा की पूजा करने का विधान है। कहा यह जाता है कि कपाट खुलने से पहले यदि भैरवनाथ की पूजा नहीं की गई तो कुछ ना कुछ अपशकुन जरूर होता है। कहा जाता है 2017 में मंदिर प्रशासन को दिक्कत बहुत हो रही थी। दिक्कत थी मंदिर के कपाट बंद करने की। भारी बर्फबारी और इतनी ठंड के बीच में मंदिर के कपाट बंद करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में जैसे ही भूकुंठ भैरव के दर्शन किए गए, उनका आह्वान किया गया, तो मानो कुंडे अपने आप बैठ गए और मंदिर पर बहुत ही शांति से ताला लग गया। अब शीतकाल में यानी सर्दी के दिनों में केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा भूकुंठ भैरव के ही हाथ में है। आप यहाँ के दर्शन कैसे कर सकते हैं? केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर जाकर आपको भूकुंठ भैरव का मंदिर मिलता है। ऐसा अनोखा मंदिर जिस पर आज तक छत नहीं बन पाई है। और कहा जाता है अष्ट भैरव के दर्शन करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। तो आप अगली बार जब भी केदारनाथ जाएं तो अष्ट भैरव के यानी भूकुंठ भैरव के दर्शन करना ना भूलें। अब ऐसे में कुछ लोगों का सवाल आता है कि शिव के दर्शन बढ़े या भैरव के दर्शन बढ़े। देखिए, इस बात का जिक्र पुराणों में भी है और कहा गया है कि भैरव बाबा के दर्शन के बगैर केदारनाथ की यात्रा अधूरी है। और ये बात तो जाहिर है कि जहाँ शिव है वहाँ भैरव है। अब काशी का उदाहरण ले, उज्जैन का उदाहरण ले या फिर केदारनाथ का, आप किसी भी ज्योतिर्लिंग पर जाएंगे वहाँ ठीक नज़दीक में आपको भैरव बाबा का मंदिर मिलेगा ही मिलेगा। और केदारनाथ में स्थापित भूकुंठ भैरव का मंदिर आपको खूबसूरत नज़ारे देता है। हालांकि मंदिर के ऊपर छत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पूरे तरीके से सब भक्त सुरक्षित रहते हैं। इतनी ऊंची पहाड़ी पर भव्य नज़ारों का आनंद लेने के साथ साथ इस मंदिर के साथ ही आपको केदारनाथ मंदिर के दर्शन इस पहाड़ी से नज़र आते हैं। अगली बार आप केदारनाथ जाएं तो भैरव बाबा के दर्शन करना ना भूलें। एक बार फिर से आपको बता दूं कि केदारनाथ से ठीक 1 किलोमीटर ऊपर जाते हुए रास्ता आपको भैरव बाबा तक लेके जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।